आज शनिवार करोड़ों हिंदुओं की आस्था केन्द्र एवं मध्य हिमालय स्थित बद्रीनाथ मंदिर कपाट शनिवार वैदिक मंत्रोच्चारों से परंपरा अनुसार शीतकाल माटे बंद कर बंद कर कपाट आया बद्रीनाथ तेरे खास कहवाई ने कि ज्योतिषा ज्योतिष पीठना जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज खास त्या हाजर रहा था अने एमने आ मंदिर कपाटनी जे वैदिक विधिओ और मंत्रोच्चारों छे एमनी साथे आ कपाट ने बंद करवानी जे बंद थाय छे एमां एनी पोतानी हाजरी नोंधावी हती। बोलिए बद्री विशाल भगवान की हिंदुओं, आज कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। हिमालय में बद्रीनाथ धाम में इस समय हम लोग विराजमान उपस्थित हैं। मौसम बहुत अच्छा है। भगवान बद्री विशाल जी की पूजा जो इस सत्र की अंतिम पूजा है, यहाँ के सभी अधिकारियों कर्मचारियों वेदपाठियों विद्वानों ने मिलकर के संपन्न की है। अब भगवान श्री नारद जी को 6 महीने के लिए पूजा सौंप करके यहाँ से भगवान विष्णु का जो चल स्वरूप है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी की पालकी के प्रतीक के रूप में यहाँ से जो सिरमठ जाएगा, भगवान उद्धव का श्री विग्रह पांडुकेश्वर में विराजमान होगा, वहां से चल करके फिर ज्योतिर्मठ में 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा होती रहेगी। भगवान शंकराचार्य जी महाराज जी की जो बद्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में विद्यमान रहती है, यही वो गद्दी है, यही वो मसनद है जिसमें भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र संग्रहित हैं और आज भी इन्हीं को पालकी में विराजमान करके यहां से ज्योतिर्मठ ले जाया जाएगा। यह सब प्रक्रिया अब आरम्भ हो गई है। ये न समझिए कि बद्रीनाथ जी की यात्रा बंद हो गई। हाँ, बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के कारण देवताओं को पूजा समर्पित कर दी गई है, लेकिन पांडुकेश्वर और मुख्य रूप से ज्योतिर्मठ में भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अर्निश जारी रहेगी। शीतकाल में भी जो लोग भगवान श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन करने आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। शीतकालीन स्थान अलग हैं, ग्रीष्मकालीन स्थान अलग हैं। यमुनोत्री देवी की पूजा हरसाली में शीतकाल के 6 महीने में भी होती रहेगी। गंगोत्री देवी की पूजा मुखवा में शीतकाल के 6 महीने भी होती रहेगी। इसी तरह से केदारनाथ जी की पूजा ऊखी मठ में 6 महीने होगी और बद्रीनाथ जी की पूजा ज्योतिर्मठ में 6 महीने तक होगी। तो आप सभी श्रद्धालु अगर भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा में अथवा उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में आना चाहते हैं तो आप यहां पर 4 धाम की यात्रा शीतकाल में भी जारी रहेगी वहां आइए। शीतकालीन स्थानों में जहां भगवान की पूजा हो रही है वहां पर दर्शन करिए, इससे भी आपको पुण्य लाभ होगा और धामों के दर्शन का आनंद भी प्राप्त होगा। एक बार फिर से भगवान बद्री विशाल की जय।